हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों में, जहाँ कहीं भी आप ऐड हो, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर आप ऐड हो। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियरली? एम आई ऑडिबल? फटाफट से बता दीजिए, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल और नॉट? गुड इवनिंग, चलिए, वेरी गुड। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है, आप सभी जितने भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं, बीटेक एस्पिरेंट्स हैं और एमटेक एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि बार्क ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। बार्क वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं, बार्क ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, किस तरीके से क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज लिमिट होगी और क्या सैलरी होगी, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन फटाफट से आपको दिखा देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर बार्क ट्रेनिंग स्कूल में इनवाइट किया गया है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स को। ठीक है ना, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। किसके लिए इनवाइट किया गया है? जिसके पास जो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, इनोवेटिव रिसर्च कर सकते हैं, उनको इनवाइट किया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंस और जियोलॉजी में। ठीक है ना, जो हिस्सा बनना चाहते हैं फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी का, जो हिस्सा बनना चाहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, एक्सेलरेटर्स का, इन सभी कैंडिडेट्स को, इन सभी एस्पिरेंट्स को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है अप्लाई करने के लिए एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, दैट इज ग्रुप ए पोस्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स एकेडमिक प्रोग्राम्स OCES 2021 एंड DGFS 2021। ओके, तो इनके एक एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं जिसको OCES 2021 और DGFS 2021 के नाम से जाना जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं वो क्या होते हैं, तो एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं वन ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर द ईयर 2021 एंड 2022 कंडक्टेड एट द बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स। यहाँ पर कुछ एलिजिबल डिसिप्लिन्स हैं, किन किन ब्रांचेस को अलाउ किया जाएगा इन ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग करने के लिए, वो आगे अभी हम देखेंगे। यहाँ पर एलिजिबल डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं और कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स आपको चाहिए उस डिग्री में, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर कुछ DAE यूनिट्स हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ यूनिट्स हैं जहाँ पर आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, वो है भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटमिक रिसर्च IGCAR में जो कलपक्कम में है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT इंदौर में, और इस तरीके से बहुत सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। दीज यूनिट्स हैव देयर ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, सो दीज यूनिट्स यहां पर जो आपको ये यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है ना, सो These units have their head offices at the indicated locations. Placements can be at the head office or at the other facilities of these units located in different parts of India. Application of successful OCES to a DA unit is carried out based on the needs of DAE's programs and the TSO's performance in the OCES programs. Okay,
Performance above a specified threshold in coursework at the training school will entitle TSOs to a postgraduate diploma or could earn them credits towards M.Tech, M.Phil, PhD programs of Homi Bhabha National Institute or deemed to be university. Now, 2 years DAE program is also there. 2 year DAE graduate fellowship scheme for engineering graduates and physics postgraduates for the years. 2 saal ka program bhi hai. 2021 to 2023, 2021 से लेकर 23 तक इस स्कीम में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट्स को जिनके पास एक्सेल जो अपने अपने स्किल में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, काफ़ी एक्सेल्ड हैं, अपने अपने डिसिप्लिन में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल्ड हैं, उनको सिलेक्शन इंटरव्यूज़ के थ्रू बार्क में ट्रेनिंग कराई जाएगी. ओके, इंटरव्यू लिया जाएगा पहले एंड सिक्योर्ड एडमिशन फॉर एमटेक मैकेनिकल मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग इन सिलेक्ट इंस्टीट्यूट्स एंड स्पेशलाइजेशन एज लिस्टेड इन टेबल 3 आर पेड स्टाइपेंड ट्यूशन फीस टू परस्यू एज एमटेक. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एमटेक करने के लिए यहां पर रिसर्च करने के लिए ऑफर दिया जाएगा. ठीक है ना, कहां कहां पर दिया जाएगा, कुछ यूनिट्स के नाम हैं. यहां पर आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट एंड अ पर्सनल आइडेंटिटी बॉन्ड टू सर्व अ DAE फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स. 3 साल तक आप छोड़ नहीं सकते हैं ट्रेनिंग को, और अगर आप ट्रेनिंग को लीव करते हैं तो आपको 6,78,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा. एंड OCS TSOs एंड 13,58,000 DGFS फेलोज को पे करना पड़ेगा अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो. स्टाइपेंड और अलाउंसेस की बात करें अगर हम, तो OCS एंड DGFS फेलोज को 55,000 रुपए महीने पर 55,000 पर मंथ इस पीरियड में पे किया जाएगा. एडिशनली दे आर पेड अ वन टाइम बुक अलाउंसेज ऑफ ₹18,000, एक बार की बुक अलाउंसेज भी मिलेगी, दैट इज ऑफ 18,000. DGFS फेलोज को रीइंबर्स किया जाएगा ट्यूशन फीस उनके एमटेक के लिए एंड आर एडिशनली पेड अ वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट of ₹25,000 to meet M.Tech, I'm Chemical Engineering, Masters in Chemical Engineering, project related expenses, everything. सब कुछ पे किया जाएगा. कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे साइंटिफिक ऑफिसर, एज अ साइंटिफिक ऑफिसर जो ग्रेड पे है लेवल 10 का है और वो है 56,100 रुपीज ऑफ 7th पे कमीशन. Appointment will be at the beginning of the pay scale with OCS TSOs getting 2 or 3 increments depending on their performance. 2 ya 3 increments aapko milenge performance ke aadhar par. Okay ji, chaliye ab yahan par baat kar lete hain ki eligibility kya kya hogi. So sabse pehle online examination hoga. It will conduct in 9 engineering disciplines. 9 engineering disciplines mein ye conduct kiya jayega, code 21 to 29. सो एज़ यू कैन सी कोड फ्रॉम 21 टू 29 यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो एलिजिबल हैं. ओके, सो केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, सिविल ऑल्सो, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल्सो, 21 टू 29 एंड दीज आर द फॉर DGFS. ओके, सो चलिए वापस से आ जाते हैं. 57,000 का स्टाइपेंड पे किया जाएगा एंड अगर हम बात करें टोटल मंथली मॉल्यूमेंट्स जो होंगे विद 3 इंस्टॉल इंक्रीमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एट द प्रेजेंट मुंबई रेट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 95,000. सो इन एडिशन अदर अलाउंसेज सच एज लीव, ट्रेवल कंसेशन बाई एयर एवरी ईयर अप टू फर्स्ट 8 ईयर्स subject to conditions and once in 2 years thereafter children's education allowances and annual professional update allowances are also payable. So everything is payable in this institute. Sab kuch yahan par aapko pay kiya jayega. DGFS candidates whose performance in the M.Tech Masters in Chemical Engineering and OCDF programs is below a specified threshold will get 0 increment. Now online screening examination hoga aapko 9 engineering disciplines mein and 4 science disciplines mein. That is from code 41 to 43 and 45 at more than 40 cities spread across India. 40 से ज़्यादा शहरों पर आपको एक टेस्ट लिया जाएगा. Online screening test for OCES DGFS 2021 will be held in September 2021. September में आपका examination होना है, कोई भी travel allowance आपको pay नहीं किया जाएगा.
गेट स्कोर के आधार पर गेट कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन इन फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ अ वैलिड गेट 2020 और 2021 स्कोर। आप विदाउट गेट स्कोर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, और आप विद गेट स्कोर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट स्कोर होना चाहिए, गेट 2020 का स्कोर होना चाहिए और गेट 2021 का स्कोर होना चाहिए। दैट मीन्स आपको 2020 और 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर भी सिलेक्ट किया जा सकता है, या फिर आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट दीजिए उसके आधार पर भी आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। कट ऑफ गेट स्कोर्स फॉर स्क्रीनिंग इनटू सिलेक्शन इंटरव्यूज विल बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट हैज कंक्लूडेड एंड कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू मैक्सिमाइज देयर चांसेस ऑफ बीइंग स्क्रीन्ड इनटू द सिलेक्शन इंटरव्यू स्टेज बाय अवेलिंग बोथ लिखा हुआ है, अवेलिंग बोथ ऑफ द स्क्रीनिंग एवेन्यूज डिटेल्ड अबव। स्क्रीनिंग इन ऑफ एप्लीकेंट्स इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कोर 29 विल बी ओनली थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट। जो 29 नंबर है उसको सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू ही जो है क्या लिया जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू। एंड 29 नंबर ऑफ ब्रांच कौन सी है वो देख लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। ओके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट ही आपको लिया जाएगा, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग विद अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक सेंटर्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर इन द एकेडमिक ईयर ऑफ 2020-2021 हुज क्यूमुलेटिव ग्रेड परफॉर्मेंस एवरेज CGPA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10 विल डायरेक्टली बी स्क्रीन्ड इनटू द सिलेक्शन इंटरव्यू स्टेज। जो लोग इन इंस्टीट्यूट से एमटेक कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएटेड हैं या एमटेक कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनको अगर 7.5 CGPA है तो उनको डायरेक्टली सिलेक्शन इंटरव्यूज में ले लिया जाएगा विदाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, डायरेक्टली स्क्रीन इनटू अ सिलेक्शन इंटरव्यू, ठीक है ना, जो इन इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। सिलेक्शन इंटरव्यूज ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन ऑल डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट जियोलॉजी विल बी कंडक्टेड एट द बार्क ट्रेनिंग स्कूल। बार ट्रेनिंग स्कूल में इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यूज होंगे और इंटरव्यू होंगे ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। ओके, सिलेक्शन इंटरव्यूज आर टेंटेटिवली स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2021। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चूज एन इंटरव्यू स्लॉट चूज करने की आपके पास छूट होगी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2021। Now the list of candidates shortlisted for selection interviews will be posted on the online application portal in September 2021. Shortlisted candidates will be able to choose an interview slot based on the availability. Final selection is solely on the basis of performance in the selection interview subject to the medical fitness. Okay, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ओके, नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में वेबसाइट में पड़ा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए देख लीजिए। क्वालिफाइंग डिग्रीज एंड अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर OCES DGFS 2021 फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स कोड 21-29 BE/BTECH BSc विद अ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स इन वन ऑफ द 9 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स कोड 21-29 मेंशन्ड इन द टेबल 1। Applicants opting to be considered on the basis of gate score must have a valid gate score 2020-2021 score in the same engineering discipline as the qualifying degree discipline। देखिए दोनों हैं, अगर आपके पास आप gate score के basis पर जाना चाहते हैं तो gate score के basis पर भी जा सकते हैं, और अगर आप gate score और screening test दोनों देना चाहते हैं तो आप दोनों दे सकते हैं। अपने chances of selection को maximize करने के लिए इन्होंने कहा है कि आपको दोनों करना चाहिए। अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है तो आप गेट स्कोर के बेसिस पर भी अप्लाई कीजिए और आप सिलेक्शन टेस्ट भी दीजिए, ठीक है, यही इन्होंने कहा है। ब्रांचेस आपकी स्क्रीन पर इन्होंने लिख दिए हैं कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो एलिजिबल हैं। ये सारी की सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, ऑटोमोबाइल और दोज हैविंग क्वालिफाइंग डिग्री इन ब्रांचेस एरोस्पेस ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिव एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलायबिलिटी सिरेमिक्स आर्किटेक्चर, ठीक है ना, ऑयल्स पेंट्स वर्निशेस they are not eligible, biomedical instrumentation they are not eligible, ठीक है ना, mechatronics, power engineering, power plant engineering, software engineering, electronics and computer engineering, biomedical electronics, biomedical instrumentation etc are not eligible। fast reactor technology के लिए BE/BTECH with 60% marks, 5-year integrated MTECH in mechanical engineering or chemical engineering with minimum 60% marks,
नाउ फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी एम कोड 30 के लिए एडिशनल ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शन अवेलेबल टू एप्लीकेंट्स बिफोर बिलोंगिंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग कोड 2021 एंड 22 एंड हेंस देयर विल नॉट बी सेपरेट स्क्रीनिंग टेस्ट और सिलेक्शन इंटरव्यू. इनके लिए कोई सेपरेट टेस्ट नहीं होगा. ओके इस तरीके से फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी ई के लिए भी है बी बी टेक विथ 60% मार्क्स एंड रिस्पेक्टिवली बिलोंगिंग टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड हेंस देयर विल नॉट बी सेपरेट स्क्रीनिंग टेस्ट और सिलेक्शन इंटरव्यू. एज लिमिट आपको जनरल कैटेगरी के लिए 26 इयर्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 29 इयर्स है एज लिमिट, एससी एसटी के लिए 31 इयर्स है, डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु डाइड इन द रिवर्स ऑफ 1984 उनके लिए एज लिमिट 31 इयर्स है. नाउ पर्संस डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्रॉम 1980 एंड रिस्पेक्टिवली 1989 31 इयर्स है उनके लिए भी, नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए. एप्लीकेंट्स वर्किंग इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिट PSUs एडेड इंस्टीट्यूट शुड प्रोड्यूस अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. आपको एक NOC प्रोड्यूस करना होगा अगर आप किसी PSU में वर्किंग है तो. अप्लीकेशन फीस 500 रुपये है. हर एक BTEC, देखो BTEC फ्रेशर अप्लाई कर सकता है जिसकी जनरल एज जो है जनरल में अगर कैटेगरी में अगर हैं आप आते हैं तो 26 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है और रिस्पेक्टिवली कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट किया जाएगा. ऑनलाइन एप्लीकेंट्स जो हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा और 12 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, सबमिट करना है उसको. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोचर बिफोर अप्लाइंग. ओके ये आपके पास ब्रांचेस हैं जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन ब्रांचेस में आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. ठीक है ना, हैदराबाद, कलपक्कम, मुंबई, इस तरीके से. तो ये था पूरा बार्क का नोटिफिकेशन. आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा. एक सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए सो इफ़ यू आर अ BTEC ग्रेजुएट, आपने BTEC किया है, BSc किया है, आपने MTEC किया है, आप OCES DGFS ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं. अगर आपकी एज 26 साल तक है तो आप एलिजिबल हैं और आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और आप वैलिड गेट स्कोर कार्ड पर भी आप यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक अच्छे मार्क्स का स्कोर कार्ड होना चाहिए. ओके तो ये बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी. इसके लिए सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा जिन जिन लोगों ने अप्लाई अभी तक नहीं किया है. स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, 7 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो. सेंटर इसमें अपने हिसाब से चूज़ करना होता है, ये एग्जामिनेशन डेट दे देते हैं और आपको सेंटर चूज़ करने की भी छूट होती है. आप सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, एग्जामिनेशन डेट्स भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं इनके गिवन एग्जामिनेशन डेट्स पे. सितंबर 2021 में एग्ज़ाम होगा. जिन ब्रांचेस के लिए आप वैलिड हैं, आपके पास वो ब्रांचेस की BTEC डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं. तो नया बैच हर एक डिपार्टमेंट के लिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा RSEB के लिए भी यहाँ मेंशन नहीं है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा एक SSC की कैटेगरी में नया बैच चल रहा है, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेजरमेंट. इससे पहले मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को 22 जून से चला था वो, और वो फिनिश किया अभी रिसेंटली. ओके सो आई हैव फिनिश दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 22nd ऑफ जून से स्टार्ट हुआ था, इसको मैंने फिनिश किया है. दोनों बैचेस या इससे भी ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो फिनिश करवा दिए हैं, इंक्लूडिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो. इसमें दो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है. अगर हम बात करें तो आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. एक साल के सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर आपको यहाँ पर 6 मंथ्स एडिशनल ऑफ मिल जाएगा. ओनली अमाउंट पे करना है 5850. 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन पर आपको 12 मंथ्स एडिशनल पढ़ने को मिलेगा, 3 साल पढ़ने को मौका मिलेगा, और आपको अमाउंट पे करना है 7020. अगर आप CA SSC और बैंक की कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्बो में सब्सक्रिप्शन CET एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो CET एग्ज़ाम के लिए 1 ईयर पर 6 मंथ्स एडिशनल ऑफ है और 8000 का मिलेगा वो. ओके 8000 का मिलेगा. और अगर आप यहाँ पर
2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो सीईटी का, जिसमें एसएससी और बैंक का कॉम्बो है, तो 10 मंथ्स एडिशनल मिलेगा और 10,000 का आपको जो है पे करना होगा अमाउंट। लेकिन ये सारे अमाउंट जो है वो आपको आफ्टर कोड अप्लाई करने पर ही शो होंगे, तो कोड आपका हो जाना चाहिए, जो कोड आप अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा ASHISH10। ओके, सो दिस कोड यू शुड अप्लाई। सही नोटिफिकेशन है जी, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है ये, सिर्फ बीटेक और एमटेक कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, सिर्फ बीटेक और एमटेक कैंडिडेट्स के लिए है। हमारी जो फीसेज हैं वो बढ़ने वाली है, ठीक है ना, एसएससी की फीस जो है वो बढ़ने वाली है, प्राइस हाइक, ये अभी करंट में ये प्राइसेस चल रहे हैं, लेकिन प्राइस हाइक बहुत जल्द हो जाएगा। ये सब्जेक्ट्स मैं ख़त्म करा चुका हूँ, स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो और संडे को 12 बजे एसएससी के कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर, और इसके लिए भी आपको इनरोल करने के लिए भी सेम कोड अप्लाई करना है, दैट इज़ ऑफ ASHISH10। ये मेरी प्रोफाइल है, सभी लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। सारी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आप कोड यूज़ कीजिएगा ASHISH10। ओके जी, चलिए बात करते हैं आगे। तो कैसे आपको करना है, ईमेल से या फिर मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, एसएससी एग्जाम्स गोल चूज़ करना है। एसएससी एग्जाम्स गोल चूज़ करने के बाद आगे बढ़ना है, तो 12 मंथ्स 24 मंथ्स सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर आगे कोड अप्लाई कर देना है, अगर आपको इस प्राइस में चाहिए तो। और वो कोड क्या है मैंने आपको बता दिया, वो कोड है आपका ASHISH10। मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद, एक सुपर 40 क्वेश्चंस का टेस्ट है, उसमें सभी लोग लाइव आइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट हैव डन येट, थैंक यू सो मच। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग इस इन्फॉर्मेशन को, इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ओके, आइए इस एग्जामिनेशन को भी पढ़ते हैं और इस एग्जामिनेशन के सिलेबस को भी कवर करते हैं और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं। 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है, 100 क्वेश्चंस का ये एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चंस टेक्निकल आते हैं, सारे के सारे टेक्निकल आते हैं, इसमें नॉन टेक कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, नो रीजनिंग, नो मैथ, नो इंग्लिश एंड नो जीए। ओके, सो आपको टेक्निकल होता है, प्योरली टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है 100 क्वेश्चंस का, पर क्वेश्चन मार्क्स इज 4 एंड नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ -1। ओके, तो ये है एग्जामिनेशन की स्कीम। मिलते हैं आपसे अपने अपने और वीडियोज़ में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।